अब खबरें विस्तार से। रेलवे के निजीकरण व अन्य मांगों को लेकर चकरधरपुर मंडल के लोको पायलटों ने भूख हड़ताल किया, मगर वे ड्यूटी पर भी रहे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले सभी लोको पायलटों ने एक दिवसीय उपवास रखा, मगर उन्होंने अपने कार्यों का निष्पादन भी किया। वे रेलवे के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, साथ ही उनकी अन्य मांगे भी हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कमेटी के आह्वान पे उपवास पे बैठे हैं, भूख हड़ताल नहीं, ये उपवास है। पूरे भारतवर्ष के लोको रनिंग स्टाफ आज उपवास करके रेलवे बोर्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य मांग है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन और निगमीकरण न हो, सरकारी हमारा जो रेलवे के कर्मचारी द्वारा ही सारा काम कराया जाए और रेल का विकास हम लोग लगातार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके कंधा से कंधा मिला के प्रशासन का, और इसको कायम रखा जाए। वहीं दूसरी ओर उपवास के दौरान चांडिल रेल स्टेशन में एक कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे रेल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर एस कुंडू से रंगदारी मांगने वालों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लेने से IMA ने SSP अनूप बिरथरे को सम्मानित किया है। विगत दिनों डॉक्टर एस कुंडू से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी, साथ ही बारद्वारी स्थित एपेक्स अस्पताल के समीप तथाकथित रूप से उन पर फायरिंग की गई। सोमवार को जमशेदपुर IMA के सदस्यों ने SSP को सम्मानित करते हुए साधुवाद दिया है। ये जो डॉक्टर कुंडू के बारे में जो बात हुई थी जिसमें से उन पर फायरिंग किया गया था एपेक्स के सामने में, तो हम डॉक्टर सब थोड़ा चिंतित थे उनके विषय में भी और समाज के विषय में भी, क्योंकि आज के दिन में अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो समाज का भी अहित होगा। इसलिए लोग डॉक्टर भी थोड़ा टेंस थे, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, सीनियर SP साहब या SP साहब, CT SP साहब या इनकी पूरी टीम, जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया है और जो कल्पित को इन्होंने अरेस्ट किया है, ये काबिले तारीफ है सही में। विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के भीतर ही घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता ने ही विकास सिंह पर कांवड़ यात्रा के नाम पर उगाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोप लगाने वाले मनोज गुप्ता ने मंत्री सरयू राय के करीबी विकास सिंह पर कांवड़ यात्रा के नाम पर लाखों की उगाही का आरोप लगाया है। कुछ दिनों पूर्व मनोज गुप्ता ने इसी आशय की पोस्ट फेसबुक में भी की थी। आइए सुनते हैं पूरे वाक्य को मनोज गुप्ता की जुबानी। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, मैं फेसबुक में माध्यम से कह रहा हूँ, और राजीव के खास करके राजीव के साथ मैं रहता हूँ, राजीव सिंह जो कि अपने उनके करीबी हैं उनके साथ रहता हूँ। तो वो दूसरी बात कि मैं फेसबुक के माध्यम से राजीव जी ने जो कमेंट लिखा था कि विकास सिंह के जो द्वारा बोलबम यात्रा किया जा रहा है उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, वो उसका आय व्यय का ब्यौरा दें, ये सार्वजनिक करें। उसमें मैंने कमेंट लिखा था कि जो भी तीर्थयात्री के नाम से चंदा काट रहे हैं, दे रहे हैं, उन्हें ना दें, बल्कि एक गरीब बेटी का शादी करा दें, तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। इसके चलते मुझे इस तरह का गंडा नगाले विकास सिंह के द्वारा दिया गया। जो भी बात कहा है उसका वीडियो हमने उसको बोल के कहा कि तुम मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, हम ये बात उनको बोल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत 3 वर्षों से निःशुल्क कांवड़ यात्रा मेरा लेके जाया जाता है, आप लोगों का समर्थन मिलता है। मैं तो मेरा कॉल डिटेल निकाल के देखिए, हमको लगता है कि 2 साल में हम उससे एक बार भी बात नहीं किए। मेरा कॉल डिटेल निकाल के देखिए, 2 साल में हम एक बार भी उससे हम बात नहीं किए। लेकिन अचानक एक दिन हम सोशल मीडिया में देखे कि उन्होंने लिखा कि विकास सिंह सरजू राय चंदा कर रहे हैं, तो हम बोले चंदा कर तो किससे कर रहे भाई, बताइए तो सामने किससे कर रहे हैं। हमने उसको समझाया, नहीं माना, तो हमने उसको फ़ोन में बोला, और हम अभी SP साहब को बोले हैं कि उसके ऊपर या तो प्रमाण मांगिए कि हम चंदा कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं तो मानहानि का मुकदमा और IIT एक्ट का उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को SDO कोर्ट परिसर से अतिक्रमण हटाया गया। पहले थोड़ी परेशानी हुई, बाद में लोगों ने खुद से दुकानें हटा ली। उधर प्रशासन के कदम पर RTI कार्यकर्ता सदन कुमार ने कहा कि जिस जगह से दुकानदारों को हटाया जा रहा है वो स्थान न तो प्रशासन का है और न तो झारखंड सरकार की है, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार का एकाधिकार है। उधर अतिक्रमण हटाने आए मजिस्ट्रेट ने कहा जो खुद ही दुकान हटा रहे हैं वो ठीक है, मगर अगले लवैये रहे तो
बल प्रयोग भी किया जाएगा। अरे जाएगा ना, उधर नहीं करेगा, तुम जाओ ना पहले। एसटीओ कोर्ट परिसर में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण करके छोटे मोटे दुकान खोले गए हैं। कुछ ये भी पाए गए हैं कि कुछ लोगों को अलग जगह पर आवंटित है, फिर भी उसको सब लीज करके, जैसे जीरोक्स मशीन वगैरह को भाड़े पर लगा करके और वापस नए जगह पर अतिक्रमित करके दुकान चला रहे हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं, और जबकि सरकारी भूमि जो एसटीओ परिसर की है, उसे सरकार को खुद आवश्यकता है, जिसमें हम लोग जन परियोजना चला सकते हैं। दलमा वन्य आश्रयणी में शिकार के आरोप में गिरफ्तार राजीव डेविड नामक व्यक्ति को सोमवार को जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि रविवार को वनपाल शैलेंद्र सिंह ने दलमा जंगलों में चार लोगों को देखा जो शिकार का प्रयास कर रहे थे, जिनमें से तीन फरार हो गए, जबकि एयर गन के साथ राजीव डेविड को पकड़ा गया। सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में उसका मेडिकल कराया गया, फिर जेल भेज दिया गया। क्या कहते हैं आरोपी राजीव डेविड, आइए सुनते हैं। तो बहुत सारा लग जाता है, बात यही है कि जो है एयर गन जो है ना गाड़ी में रह गया था, पता नहीं चला। ठीक है, हम लोगों से गलती यही हो गया कि हम लोग देखे नहीं और उसका परमिशन नहीं लिए, बस इतना ही है। ना इनको ना गोली मिला, ना कुछ, ना शिकार किए, ना कुछ नहीं किया। हम लोग जबरदस्ती धार लगाया जा रहा है। एयरगन लेकर के आप जंगल पर क्या करने गए थे? एयरगन दो दिन पहले सर्विस कराने दिए थे, गाड़ी में ही रह गया था। सर पहले आप लोग क्या सूचना मिली थी? हम लोग सूचना, हम लोग जंगल में घूमे रहे थे, तो वहाँ और भी पब्लिक था, तो कहा देखिए सर उधर आवाज हो रहा है, गोली चल रहा है। वही गए तो देखे कि मैंने ये कोई चीज खड़ा हो गया, बाकी सब क्या क्या इसके पास बरामद हुआ बताओ? बंदूक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर राज्य में पहला और देश में चौथा स्थान हासिल करते हुए राज्य को आईना दिखा रहा है। इस कड़ी में एक और अभियान जुड़ गया है, और ये अभियान है स्वच्छता शपथ। धालभूम एसडीओ से मुलाकातियों को स्वच्छता शपथ दिलाई जा रही है। मुलाकातियों को पहले स्वच्छता शपथ लेनी होगी, उसके बाद ही एसडीओ के समक्ष अपनी बातें रख पाएंगे। स्वच्छ शहर होगा तो आप स्वच्छ रहेंगे, आप स्वच्छ रहेंगे तो राज्य और देश स्वच्छ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जानते हैं कि कार्यालय में प्रत्येक छः दिन में प्रत्येक दिन हम लोग आवेदकों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो उसके लिए लोगों से इस परिपत्र में हम लोग हस्ताक्षर कराते हैं, और जिसमें उनसे वचन लेते हैं कि वो जमशेदपुर शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग देंगे। इससे ये भी फायदा हो जाता है कि बात इनका कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमारे पास उपलब्ध रहता है, ताकि अधिक किसी की कोई शिकायत है और तो हम लोग बाद में भी फॉलोअप करके चेक कर लेते हैं कि क्या उनकी शिकायत का संपूर्ण समाधान हो पाया या नहीं। ये भी पता चलता है कि किस तरह के लोग क्या कोई दलाली करने या कोई फर्जी चीज़ों को बार बार लेकर के आ रहे हैं, तो उन्हें भी रोक पाना संभव हो सकता है, ताकि जो रियल में जिनकी प्रॉब्लम है उनको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे सुन सकें। मांगो स्थित वास्तु विहार कॉलोनी के लोगों ने कांग्रेस नेता रविशंकर के खिलाफ एसपी को शिकायत वाद सौंपा है। उनका आरोप है कि रविशंकर अपनी नेतागिरी का धौंस दिखाते हैं, जिससे कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही वे सोसाइटी के नियम कायदे को भी मानने से इनकार करते हैं। अभी पिछले एक साल पहले हम लोगों ने सभी लोग मिलकर एक साथ मिलकर और एक सोसाइटी का निर्माण किए, वो सोसाइटी अभी चलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुल 80 घर हैं कॉलोनी में, जिसमें 59 लोग आज के डेट में मेंबर हैं, 21 लोग मेंबर नहीं हैं। उस मेंबर में नहीं होने वाले में श्री रविशंकर केती भी हैं, जिनका हमेशा उद्देश्य सोसाइटी के खिलाफ रहता है। उनका कहना है कि हम सोसाइटी को नहीं मानते हैं, निबंधित किसी सोसाइटी को नहीं मानते हैं,
इसको चलने नहीं देंगे और आप लोग जो भी काम करोगे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और कोई हमसे कुछ बात करेगा तो हम उसको केस करके और उसको फंसा देंगे। जुगसलाई स्थित धोबी घाट में विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनेगा। सोमवार को इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास में विधायक प्रतिनिधि के अलावा जिला परिषद के सदस्य भी मौजूद थे। रजक समाज के आवेदन पर उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण विधायक निधि से किया जा रहा है। विधायक रामचंद्र सईस के सहयोग से करीब 8 लाख रुपयों की लागत से भवन तैयार होगा। जिसमें समाज के उत्थान के लिए हमारे विधायक जी ने कोई आसार उम्मीद रखा है कि एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए भवन का बहुत जरूरी होता है, उसी के तहत विधायक निधि से यहाँ भवन का निर्माण कराया गया जिसका आज शिलान्यास था। इसमें काफ़ी लोग उपस्थित थे। लागत 8,50,000 रुपये की लागत से भवन बना। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। रजक समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 जुलाई को समाज कल्याण हेतु सर्वहरी पूजा का आयोजन किया गया। सीएच एरिया स्थित हनुमान मंदिर में रजक समाज द्वारा नव युवक संघ के सौजन्य से सर्वहरी पूजा का आयोजन किया गया। इसमें समाज के चहुमुखी विकास की कामना की गई। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं और हमारे जो 11 शाखा है उसमें भी आज ही के दिन 15 जुलाई को मनाया जा रहा है सभी शाखा में। इसमें हम लोग आषाढ़ महीना में इसे पूजा करते हैं, जो देवी लोग हम लोग का पूजा होता है उसके बाद हम लोग बलि देकर उनका मैंने महाप्रसाद दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सुनारी में आर्टिस्टिक योगा, रिदम योगा और म्यूजिकल योगा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। चंद्रासन मंत्र दोहराइए, ओम अर्काय नमः। अब धीरे से प्रणाम मुद्रा में रहिए, प्रणाम मुद्रा चलिए मंत्र बोलेंगे, ओम भास्कराय नमः। धीरे से हाथ नीचे कर लीजिए, चलिए एक साथ शुरू कीजिए, आह्वान आलिंगन प्रणाम। मंत्र बोलेंगे, ओम मित्राय नमः, हस्तों सूर्याय नमः। बायां पैर पीछे, लेफ्ट लेग बैकवर्ड, सामने की ओर देखेंगे और सुसंचालन मंत्र बोलिए, ओम हाथ सामने हाथ पीछे। एक साथ शुरू कीजिए, दोनों हाथ सामने दाहिने पैर पीछे, राइट लेग बैकवर्ड और घुटना करके बैठ जाइए। वज्रासन में आ जाइए, सब कोई हाथ लेके पैर खोल दीजिए सामने। आइए खींच के रखें, पांच गिनती तक, 1 2 3 चलो।